चलो नाउ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. अकबर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वॉज फ्रेम बाय द राजा टूटलमुन. इट वॉज बेस्ड ऑन शेरशाह लैंड रेवेन्यू सिस्टम. इट प्रेजेंट लैंड वॉज मेजर्ड एंड इट यील्ड असेस्ट. टूटलमुन कैलकुलेट द स्टेट शेयर एंड ईच क्रॉप्स थ्रू द जब्त सिस्टम. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम डाटा रिगार्डिंग द एरिया कल्टिवेटेड एक्चुअल प्रोडक्शन एंड लोकल प्राइस वॉज कलेक्टेड फॉर ईच ग्रुप फॉर 10 years. The average produce and the price of each crop over these 10 years was calculated. The state share was then fixed at about 1/3 of the average produce and revenue could be paid in cash or fine. Farmer could get loan from the state. The zab system was applied in the provinces lying between Lahore and Allahabad and in Malwa and parts of Gujarat. These provinces were divided into revenue circle and separate revenue rate were fixed and fixed for different circle. During Shah Jahan reign, the zabt system was extended to the Deccan provinces. In the second half of the 17th century, Mughal revenue demand increased considerably and then the Mughal officer became oppressive. As a result, there were frequent peasant uprising in both North India and the Deccan. इसमें क्या बताया गया कि अकबर की भूमिकर प्रणाली की जो रचना है वो टूटलमल ने की थी. शाहजहां की भूमिकर प्रणाली पर आधारित थी और इसमें भूमि को मापा जाता था और उसका कर निर्धारित किया जाता था. टूटलमल भूमि के हिस्से की फसल की गणना करता था कि कितनी इसकी गिनती है और जब्त प्रणाली के अंतर्गत भूमि पर कितनी फसलें हुई हैं और उसकी गणना की जाती थी. उसके आधार पर किसी कृषि योग्य भूमि को निर्धारित किया जाता था और उस पर कितना उत्पादन होता है और 10 वर्ष तक भूमि कर निर्धारित कर लिया जाता था और उसके बाद भूमि की औसत उत्पादन कितना है तथा कितने वर्षों तक फसल का 10 वर्षों तक फसल का हिसाब लगाया जाता था और औसत उत्पादन में से राजा को एक तिहाई हिस्सा स्थिर था. एक तिहाई हिस्सा जो है राजा को देना पड़ता था. कर का भुगतान किया जाता था और किसान राज्य से ऋण भी ले सकते थे. जब्त प्रणाली में जो है ये जब्त प्रणाली जो है मालवा लाहौर अलाहाबाद और कई क्षेत्रों में पाई जाती थी. इन प्रदेशों में इसे सर्कल्स में डिवाइड किया जाता था और हर सर्कल में इसका एक फिक्स्ड रेट होता था. इसमें शाहजहां के प्रदेश में जब्त प्रणाली जो है डकेन क्षेत्र में काफी विकसित हुई. उसके बाद सेकेंड हाफ यानी की दूसरी शताब्दी में जो है मुगल कर की मांग बढ़ गई. इसके अधिकारी जो है निर्दयी हो गए. उन्होंने जो है अपने करों को बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वो जो कर का काफी हिस्सा अपने पास रखने लगे और किसान जो है किसानों ने इस तरह से उत्तर में और डकेन में विद्रोह शुरू कर दिए और रेवेन्यू कलेक्टेड ऑफिसर थे वो भूमि कर शाही खजाने में जाता था और ये पूरी तरह से शाही खजाने में नहीं जाता था. रेवेन्यू कलेक्शन द लैंड हूज रेवेन्यू वेंट टू लॉयल ट्रस्टी वाज नोन एज खलीसा. रेवेन्यू कलेक्टर कॉल्ड जमींदार कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड एंड पेड टू द रॉयल ट्रस्टी. द जमींदार कुड कीप अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड. ही कुड कलेक्ट अदर टैक्स एज वेल. जमींदार कुड मेंटेन ट्रूप्स फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. द एम्परर ग्रांटेड tax free lands and the right to collect revenue from such land to favored scholars, holy men, religious institution etc. these lands called the suryaghals were usually granted for life. इसके बाद जो है revenue collection यानी कि भूमि कर इकट्ठा करके जो है शाही खजाने में दे दिया जाता था उसे खालिसा के नाम से जाना जाता था और कर इकट्ठा करने वालों को जमींदार कहते थे और इस भूमि पर ये कर इकट्ठा किया जाता था. कर इकट्ठा करने के बाद जो है उसे शाही खजानों में डाल दिया जाता था और वो कुछ भाग अपने पास रखते थे और कुछ जो है दूसरे ऑफिसर को दे देते थे. उसके बाद जो है एम्परर में जमींदार जो है कर इकट्ठा करने का उद्देश्य जो है और उसके रख रखाव की पूरी विशेष व्यवस्था करते थे. साम्राज्य में कई भूमियां जो थी कर मुक्त थी यानी उनपे कोई कर नहीं लगाया जाता था. इन भूमियों में जैसे विद्वानों की भूमि जैसे बहुत से होली मैन पवित्र आदमी और विद्वान थे उनसे जो है कर इकट्ठा करने
उनको सिर्फ कर इकट्ठा करने का अधिकार था, उनसे कर नहीं लिया जाता था। और इस तरह से इस भूमि का प्रयोग वो अपनी इच्छा से कर देते थे, क्योंकि वो भूमि जो है उन्हें भूदान में मिली होती थी। नाउ मनसबदारी सिस्टम, अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, ही ग्रेडेड ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनसब एंड कॉल्ड मनसबदार। अ मनसबदार जनरली एंटर्ड सर्विस इन ए लो रैंक एंड रोज टू प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज लॉयल्टी एंड सर्विस। यानी अकबर ने जो है महलवाड़ी सिस्टम से जो है मनसबदारी सिस्टम से अवगत कराया और उसने अपने अधिकारियों को मनसब के आधार पर दर्जा दिया। मनसब एक पद होता था, जैसे किसी को किसी ऊंचे पद पे बिठाना, मनसबदार उसे मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार पहले नीचे पदों पर नियुक्त होते थे, उसके बाद वो अपनी वफादारी के आधार पर जो है प्रमोशन प्राप्त करते थे, यानी उन्हें उन्नति दी जाती थी। मनसबदार रैंक डिपेंडेड अपॉन हिज जट्स एंड सवार। जट्स वाज द वैल्यू ऑफ पर्सनल सैलरी, जट को पर्सनल यानी व्यक्तिगत सैलरी दी जाती थी, दिस इंडिकेट हिज स्टेटस। सवार वाज द नंबर ऑफ हॉर्सेस, सवार के पास बहुत सारे घोड़े होते थे और उनका रख रखाव करता था। हिज सैलरी वाज फिक्स, उसकी जो सैलरी थी वो फिक्स होती थी। सैलरी यानी उनको जो महीने की पे मिलती थी, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल इट रेंज फ्रॉम 10 हॉर्समैन टू 10,000 हॉर्समैन। A mansabdar also had to maintain a fixed number of elephant, camel and cars. According to estimate, Akbar mansabdar received the highest salary in the world at that time. इससे ये हिसाब लगाया जाता है कि अकबर के काल में जो मनसबदार थे, आज जो है संसार में उनकी तुलना करें वो सबसे अधिक जो है वेतन लेते थे। Before receiving his salary, a mansabdar had to present his horseman for inspection. यानी सैलरी जो है लेने के बाद जो है अपने हॉर्स को इंस्पेक्शन के लिए भेजते थे। फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉर्समैन मेंटेन टू प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशनल, देयर हॉर्स वर ब्रांडेड टू प्रिवेंट थीफ्ट। उसके बाद हॉर्स की जो है नस्ल चेक की जाती थी ताकि वो उन्हें चोरों डाकुओं से बचा सके। द एम्परर कुड यूज द ट्रूप्स मेंटेन बाय ए मनसबदार व्हेनेवर ही विश्ड। सम मनसबदार वर पे इन कैश बट मनसबदार जनरली रिसीव जागीर। अ जागीर हैड टू बी केयरफुली असेस्ड बिफोर बीइंग ग्रांटेड बिकॉज इट्स रेवेन्यू हैड टू इक्वल टू द मनसबदार कैश सैलरी। जागीर वर नॉट ग्रांटेड परमानेंटली एंड नो मनसबदार कुड होल्ड अ जागीर एट वन प्लेस फॉर मोर देन 3 or 4 ईयर्स ओवर देयर ओन टेरिटरीज। मनसबदार हु टेक द हेल्प ऑफ मुगल ऑफिसर वर कॉल्ड फौजदार टू पॉसिबली कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजन हु वुड नॉट पे। आफ्टर अकबर द मनसबदारी सिस्टम ग्रेजुअली बिकेम हेरिडेटरी बट औरंगजेब टाइम द नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज वास्टली कॉजिंग ए शॉर्टेज ऑफ जागीर। अंडर शाहजहां एंड औरंगजेब मोस्ट ऑफ द हाई क्वालिटी लैंड वर मेड क्राउन लैंड्स फ्रॉम विच स्टेट्स रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड। द लेस फर्टाइल लैंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज जागीर। रेवेन्यू यील्ड ऑफ दिस जागीर ऑफन फेल शॉर्ट ऑफ द सैलरी दे रिप्रेजेंटेड सो द होल्डर ऑफ दिस जागीर ऑफन ग्रू ऑप्रेसिव एंड फोर्सिबली एजेक्टेड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द पीजन। और उसके बाद वो अपने वेतन लेने के बाद महलवाड़ अपने अधीन घुड़सवारों का निरीक्षण करते थे कि उनके घोड़े कैसे हैं और उनकी फिजिकल का ध्यान यानी उनका शारीरिक ध्यान रखना पड़ता था कि घोड़े अच्छी नस्ल के हैं या नहीं, वह चोरों से उनकी रक्षा कर सकेंगे कि नहीं। उसके बाद जो है वे साम्राज्य के सैनिकों का प्रयोग जो है अपनी मर्जी से कर सकते थे और कुछ मनसबदारों को जो है वेतन कैश सैलरी में दिया जाता था, लेकिन कई मनसबदार जो है जागीरें लेते थे। जागीर का जो मूल्य है बड़े ध्यान से स्थिर करना पड़ता था और जागीर जो है पहले क्योंकि वो एक समान कर से मनसबदारों को वेतन दिया जाता था, जागीर स्थिर नहीं होती थी, यानी किसी के पास एक या दो जागीरें होती थी। उसके बाद कोई भी मनसबदार एक ही जगह पर एक जागीर को 3-4 साल से अधिक नहीं रख सकता था और कुछ क्षेत्रों में चीफ यानी कि मुख्य राजपूतों को जो है भूदान में भूमि छोड़ देते थे। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अकबर के मनसबदारी सिस्टम में जो ये भूमि कर प्रथा थी वो क्या थी, पैतृक थी, यानी कि पूर्वजों के समय से चली आ रही थी। और उसमें जो है औरंगजेब के समय में मनसबदार जो है बहुत बढ़ गए थे। इसका कारण था कि जागीरों की कमी हो गई थी और शाहजहां और औरंगजेब के पास कुछ अच्छी भूमि थी और जिसमें कोई लोअर भूमि यहाँ पे मतलब की फसल कम होती है और वहां से राज्य जो है कर निर्धारित करते थे।
और भूमिकर जो है उपजाऊ भूमि के अनुसार ही तय किया जाता था। जहाँ जो फसल कम होती थी उसी के अनुसार जो है भूमिकर लगाया जाता था और इसी तरह से उसे जागीर कहते थे। इस भूमि से प्राप्त कर से उनको कम वेतन दिया जाता था या बहुत अधिक भी मिलता था। और इसके बाद अधिकारी जो है बहुत निर्दयता से यानी बहुत क्रूरता से लोगों से कर इकट्ठा करने लगे। नाउ अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल, अकबर इज नोन एज द अकबर द ग्रेट विद गुड रीजन। कुछ अच्छे कारणों से अकबर जो है एक महान राजा जाना जाता है। ही बिल्ट ए वास्ट एम्पायर बट ही डू एज ऑलवेज यूज डिप्लोमेसी ऑफ फोर्स वेयर एवर पॉसिबल। अकबर इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड फॉर वाइज पॉलिसी। लेट अस लर्न अ लिटल मोर अबाउट सम देम। इसमें बताया गया अकबर को महान राजा उसके अच्छे कामों की वजह से कहा गया। उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया। डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति और अकबर की महान नीतियों के कारण उसे जाना जाता है। इस प्रकार से आइए हम कुछ नीतियों के बारे में जानेंगे।